तो दोस्तों आप साइड में देख सकते हैं मोटिवेशनल कोट्स वाले फोटोज़, इस तरीके के फोटोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप इस तरीके का जो फोटोज़ होता है जिसमें आप अपना खुद का फ़ोटो लगाकर कैसे बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में बस आप अंत तक बने रहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का आपको पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा पिक्सल लैब ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर डिलीट वाले पर जाएंगे, ओके करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आप जाएंगे थ्री डॉट पर, और यहाँ पर जाएंगे इमेज साइज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आप जाएंगे कस्टम वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर वाला साइज। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये स्क्वायर साइज में आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम डिज़ाइन करेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहला जो काम करेंगे कि यहाँ पर हम अपने फ़ोटोज़ को ऐड करेंगे। तो अपने फ़ोटोज़ को ऐड करने के लिए हम जाएंगे प्लस के आइकन पे, और यहाँ से हम जाएंगे फ्रॉम गैलरी पर। यहाँ से मैंने अपने पहले फ़ोटो को ले लिया है, आप चाहें तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। हम यहाँ से ओके करेंगे, हमारे सामने ये फ़ोटो आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अच्छे से फिट कर लेंगे, और इसके बाद हम दोबारा से जाएंगे प्लस आइकन पे, और यहाँ से जाएंगे फ्रॉम गैलरी पर, और यहाँ पर मैं दूसरा फ़ोटो लूँगा और इसे मैं इस तरीके से क्रॉप करके ओके करूँगा, तो यहाँ पर दूसरा फ़ोटो आ जाएगा। मैं दूसरे वाले फ़ोटो को भी अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अपने दोनों फ़ोटोज़ को यहाँ पर इस तरीके से ऐड करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर डबल आपको एक लेयर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप दोनों फ़ोटोज़ को लॉक कर देंगे ताकि ये बार बार इधर उधर हिले ना और आपका जो फ़ोटो है वो बेकार ना हो। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक शैडो का पीएनजी, तो हम जाएंगे प्लस आइकन और यहाँ से जाएंगे फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक शैडो का पीएनजी ले लिया है, ओके करूँगा, और इसको इस तरीके से हम रोटेट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर हम इसको इतना बड़ा करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको साइड में इस तरीके से रख देंगे नीचे, और नीचे रखने के बाद हम इसके कॉपीज़ को बनाएंगे और इस तरीके से हम इसको नीचे रखते जाएंगे जब तक कि हमारा फ़ोटो नीचे से ब्लर यहाँ पर दिखना शुरू नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए कर लिया है। अब हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर देखिए आपको एक राइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने बॉक्स बन जाएगा, आप इन सभी बॉक्सेस में टिक करेंगे, जितने भी आपने शैडो लिया होगा आप इनमें टिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक राइट के पहले मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये जितने भी शैडो वाले पीएनजी आपने लिए हैं ये एक ही में मर्ज हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा से लेयर पे क्लिक कर देंगे और नीचे जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे इनेबल करेंगे, और इसका कलर आप कर देंगे ब्लैक, ओके कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से लुक आ चुका है। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके और इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, हम लेयर पे जाके इसे भी लॉक कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे प्लस आइकन, टेक्स्ट पे जाएंगे, डबल टैब इस पर करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपका कॉर्ड्स है, जो भी आपका शायरी है, वो आप यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ए बी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर मैंने माय फॉन्ट में एक फॉन्ट रखा है, हम इसको क्लिक करके ओके करेंगे। अब हमारा यहाँ पर फॉन्ट आ जाएगा। फॉन्ट आने के बाद हम जाएंगे स्टाइल पे और इसे बोल्ड करके ओके कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अलाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला अलाइन जो है हम इसको लेकर ओके कर देंगे, और हम क्या करेंगे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पर अच्छे से मैनेज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे, तो नीचे आपको यहाँ पर जन्मदिन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इसका कलर आपको चेंज कर देना है। इसके बाद ये जो केक वाला है, हम यहाँ पर इसका भी कलर जाएंगे चेंज करेंगे,
यहाँ पर आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कलर बकेट आ जाएगा। आप यहाँ से आराम से कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से येलो कर लेते हैं। कलर को आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके ओके करेंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप जहाँ जहाँ पॉइंट करना चाहते हैं, जैसे मैं खुशी को पॉइंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर खुशी वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, मतलब खुशी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा इस तरीके से कलर चेंज। और यहाँ पर ये जो पेड़ है, हम इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसका मैं कलर येलो करके ओके कर दूँगा। और बस यहाँ पर हमारा बनकर कॉर्ड्स तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें PNG वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर सेव एज इमेज पर जाएंगे, यहाँ कस्टम पर जा करके अल्ट्रा को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। और हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो कॉर्ड्स है वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो कॉर्ड्स बनाया था वो आपके सामने आ चुका है, जो मैंने पहले कॉर्ड्स बनाया था। तो इस तरीके से देखिए, पहले मैंने इस तरीके का कॉर्ड्स बनाया हुआ था और इस चीज़ को देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइव यहाँ पर बना के दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं और आप इसमें चाहें तो सॉन्ग को लगा करके YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, Facebook, Instagram यहाँ पर भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप करूँगा कि आपको पता चल गया होगा कि जो मोटिवेशनल कॉर्ड्स होते हैं उन्हें आखिर मोबाइल से कैसे बनाए जाते हैं और मैं कैसे बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।